सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलजा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा आठवीं का हिंदी विषय का जो कविता हमने देखी थी, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसके स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो आज हम शब्द संपदा की ओर चलेंगे। शब्द संपदा में आज हम विलोम शब्द देखेंगे। जो कविता में शब्द आए हैं उसी के विलोम शब्द हमें यहाँ पर देखने हैं। विलोम शब्द का अर्थ है विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, जिसमें यहाँ पर ये जो गज़ल है इसमें यहाँ पर इन शेरों में आए कुछ शब्द हैं, शब्द के विलोम शब्द हमें देखने हैं। शब्द आया है कांटे, तो आपको मालूम है कांटे शब्द का विरुद्ध अर्थ वाला विलोम शब्द कौन सा है। कांटे विरुद्ध अर्थ कांटे हैं। कांटे का अर्थ क्या है? चुभने वाले कांटे, है ना। कांटे चुभते हैं तो दर्द होता है, वे कांटे हैं। तो कांटे का विरुद्ध अर्थ वाला विलोम अर्थ वाला शब्द कौन सा है? फूल। कांटे फूल, कांटे का विरुद्ध अर्थ शब्द कौन सा है, विलोम शब्द कौन सा है? यहाँ पर फूल, है ना। फूल कोमल होता है, कांटे चुभते हैं। फूल चुभता है? नहीं चुभता, कोमल होता है। उसके विरुद्ध अर्थ में ये शब्द आएगा। अगला शब्द है जरूरत। जरूरत शब्द है, तो जरूरत शब्द का विलोम शब्द आएगा बेजरूरत। जरूरत बेजरूरत। अगला शब्द आएगा रोशनी। रोशनी स्याही, या उसे हम अंधेरा भी कह सकते हैं। अंधेरा रोशनी, अंधेरा। आगे मीठी। मीठी ये बोली है, गजल में आया हुआ शब्द है। मीठी का अर्थ क्या है? मीठा। मीठी कड़वी। मीठी का विलोम शब्द यहाँ पर आएगा कड़वी या कड़वा। मीठा कड़वा, मीठी कड़वी, ये विलोम शब्द यहाँ पर आएगा। आगे है निम्नलिखित शब्दों के वचन हमें बदलना है। गज़ल में शेरों में आए हुए शब्द हैं, जिन शब्दों के वचन में हमें बदलाव करना है, बदलना है। जैसे कि पटाखा, यह एक वचनी है। पटाखा एक वचनी शब्द है, तो हमें उसे क्या करना है? वचन परिवर्तन करना है। एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो पटाखा एक पटाखा, एक वचन एक पटाखा। अगर बहुत सारे पटाखा आपके पास है तो हम बहुत सारे पटाखा नहीं कहेंगे, पटाखे। बहुवचन में आएगा पटाखे। अगला शब्द है बात। एक बात हमने अगर कही हो तो हम उसे कहते हैं बात, उसने एक बात कही है। अगर उसने अनेक बातें कही हैं तो हम बात नहीं, क्यों, उसने बहुत सारी बात कही है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। उसने बहुत सारी बातें कही हैं, तो बात का वचन बहुवचन में शब्द आएगा बातें। अगला शब्द है बोली। अगला शब्द कौन सा है? बोली शब्द है। बोली बोलियां। बोली शब्द का वचन बदल कर हम देखेंगे, बहुवचन में उसे लेकर जाएंगे, बोली बोलियां। और अगला शब्द है जरूरत। जरूरत जरूरतें, यह बहुवचन में आएगा। तो स्वाध्याय प्रश्नोत्तर में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो शब्द संपदा हमने पिछली कक्षा में इसी कविता के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें हमने एक निबंध लेखन भी ले लिया, यातायात की समस्याओं और उसके ऊपर जो उपाय है उसके बारे में हमने चर्चा की।
तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको प्रश्न किया गया है कि इस गजल के, ये जो गजल है, गजल के कविता के अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हमने जो गजल देखी उसके अंतिम चार पंक्तियां कौन सी है, देखो पहले अंतिम चार पंक्तियों को पढ़ो। अगर आपको कविता पठित है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि चार अंतिम चार पंक्तियां कौन सी है। तो यहाँ पर अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, भावार्थ यानी उसका सरल हिंदी में अर्थ लिखना है। जो गजल की चार पंक्तियां, अंतिम चार पंक्तियां हैं या कोई भी काव्य पंक्तियां हैं, आपको प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब भावार्थ लिखिए यानी सरल सरल हिंदी में अर्थ उसका लिखना है। तो अंतिम चार पंक्तियां यहाँ पर हमें पढ़ना है, देखो कि कौन सी अंतिम चार पंक्तियां हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अंतिम चार पंक्तियां हमें देखनी है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा है कि होठ सीकर के बैठो, ये किसने कहा है कि ओठो होठ को सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। हमने गजल देखी है, गजल पठित भी की है, तो अंतिम चार पंक्तियां हमें मालूम होनी चाहिए। अंतिम चार पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर हमें उसका भावार्थ लिखना है। क्या कहा है? बात बेबात कोई चुभने लगे तो, अगर यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे तो, चुभना किसे कहते हैं कि अगर हमारी कड़वी बात से किसी का मन दुखी होता है, किसी का दिल हम दुखाते हैं, अरे समझ में, तो उसे कहते हैं कि वो बात उसे चुभ रही है। अरे समझ में, मन नाराज होना है ना। तो यहाँ पर यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आए या आप बात कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, तो किसी को ये बात चुभने लगे तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो। उसी बात को प्यार के मोड़ पर लाना है। फिर से बात आ गई कि हमें क्या करना है, प्यार से बोलना है, मीठा बोलना है, पर ताकि वातावरण की कटुता वहां पर दूर हो जाए। वैसे कोई बेबात बेबात हमें किसी की बात चुभ रही है तो उसे उस समय हमें उसी बात को प्यार के मोड़ पर ले आना चाहिए। और ये सीखना है हमें, ये आता नहीं सभी को, ये भी या आता नहीं सभी को कि इस प्रकार करना है कि कोई बात बेबात हमें कुछ बोल रहा है या बेबात बेबात किसी की बात हमें चुभ रही है तो हमें क्या करना है, उसी बात को प्यार के मोड़ पर लाना है ताकि वहां पर जो कड़वाहट आ रही थी वह थोड़ी दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर चुप बैठना नहीं है। और इसके साथ आपको ये भी करना है कि हमें हमेशा के लिए अपने होठों को सीकर बैठना है। ये किसने कहा कि अपने होठों को सीकर के बैठो, है ना, ये किसने कहा है कि अपने होठों को सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अंतिम पंक्ति है कि हमें ये किसने कहा है कि हमेशा हमें चुप ही रहना है, नहीं बल्कि हमें क्या करना है, कोई किसी प्रकार का अन्याय अगर कर रहा हो, अत्याचार अगर कर रहा हो, तो उस समय चुप हो जाना भी एक प्रकार का अन्याय ही होगा। और ये किसने कहा है कि हमेशा हमें चुप ही रहना है, हम पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तब भी हम चुप बैठ रहे हैं, तो ये भी
हमारा बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, या हम खुद पर बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्यों अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि आप चुप बैठकर अन्याय कर रहे हैं। तो जरूरत पे, जहां पर आपके बोलने की जरूरत है, जहां पर आपके बातें करने की जरूरत है, वहां पर हमें क्या करना है? अपना मुंह खोलना है। इसीलिए अंतिम पंक्ति का अर्थ यहां पर कवि बता रहे हैं कि ये किसने कहा है कि आपको होठ सीकर के बैठो, जरूरत हो जाए या जरूरत पर हमें क्या करना है? अपना मुंह खोलना है। मुंह खोलना है बातें करने के लिए। इसका अर्थ है कि जहां पर हमें बोलने की जरूरत है वहां हमें बोलना ही चाहिए। तो इस प्रकार का प्रश्न हमें आ सकता है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या कविता के शुरू के चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखना है कि कविता का सरल सरल हिंदी में अर्थ हमें लिखना है, और यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो स्वाध्याय प्रश्न में हमने निबंध लेखन देखा, जैसे कि शब्द संपदा। निबंध में हमने यातायात की समस्या पर उपाय और यातायात की समस्या, इसके बारे में जानकारी ली, और इस प्रकार के जो प्रश्न आपको है अपने कापियों में लिखने हैं। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ आएंगे। तब तक धन्यवाद।